देश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। दूसरी लहर जारी है और हर दिन कोविड 19 के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। इस कारण कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है। इन सबसे परे सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति में जैसे फेल हो रही है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन लेवल खतरनाक हद तक जा पहुंचा है। इसी बीच महाराष्ट्र के नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने की खबर ने भी चिंता बढ़ा दी, जिसमें 22 मरीजों की मौत हो गई। ऐसे में कोविड से जंग में भारत की तमाम संस्थाएं मिलकर दिन रात काम कर रही हैं। संकट के इस दौर में DRDO ने भी अहम योगदान दिया है। DRDO ने भारत के पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ते हुए ऑक्सीजन बनाने की तकनीक से इसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का इंतजाम किया है। DRDO ने कोरोना के हालातों को देखते हुए SpO2 पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली तैयार की है। मतलब यह कि जिस तरह से तेजस में उड़ते हुए विमान में ही ऑक्सीजन बना ली जाती है, अब ऑक्सीजन बनाने की वही तकनीक सबको उपलब्ध कराई जा रही है। तेजस लड़ाकू विमान के लिए विकसित ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम को अब सिविल उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस के लिए विकसित इस ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम से प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने ऐसे 5 प्लांट के लिए ऑर्डर भी दे दिए हैं। ये खास तरीके की तकनीक दुर्गम पहाड़ियों और अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर तैनात सैनिकों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके जरिए अब कोरोना के मरीजों की मदद की जाएगी। सिर्फ ऑक्सीजन की सुविधा ही नहीं, बल्कि कोरोना पर काबू पाने के लिए अब सेना की ओर से आम लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी खोली जाएगी। देश में अब हर दिन मिल रहे संक्रमितों का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं, जिस वजह से अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख MM नरवणे, रक्षा सचिव और DRDO के अध्यक्ष से कहा है कि वे सैन्य कैंट और DRDO के अस्पतालों में आम नागरिकों के भी इलाज की सुविधाएं मुहैया कराएं। रोज नए मामलों की संख्या में इजाफा के चलते बेड की कमी को कम करने को लेकर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। DRDO ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली कैंट में बने कोविड केयर केंद्र को दोबारा चालू कर दिया है। इनमें 250 बेड उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जो शुरू होते ही 2 घंटे में फुल हो गए। ये सभी ICU बेड हैं। DRDO लखनऊ, वाराणसी और अहमदाबाद में कोरोना अस्पताल बनाएगा। लखनऊ में 450 बेड, वाराणसी में 750 बेड और अहमदाबाद में 900 बेड वाला अस्पताल बनाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी DRDO ने 500 बेड की व्यवस्था की है। भारतीय रेलवे की तरह वायुसेना भी अब सरकार के साथ कोविड 19 के खिलाफ जंग में शामिल हो गई है। वायुसेना ने अब ऑक्सीजन कंटेनर्स, सिलेंडर्स, जरूरी दवाइयों, उपकरणों और मेडिकल पर्सनल को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को वायुसेना के 2 विमान C-17 ने 2 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स और एक IL-76 विमान ने 1 खाली कंटेनर को पन्नागढ़ पहुंचाया। वहीं विदेश से ऑक्सीजन कंटेनर्स लाने में भी इंडियन एयरफोर्स मदद के लिए तैयार है। इंडियन एयरफोर्स कोची, मुंबई, वाइजैग और बेंगलुरु से डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को एयरलिफ्ट करने का काम कर रही है। सभी को दिल्ली में DRDO के कोविड 19 अस्पताल में पहुंचाया गया। कोविड से जंग के लिए तैयार इंडियन एयरफोर्स ने न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को मदद मिल रही है, बल्कि आम लोगों के लिए भी राहत की ये बड़ी खबर है।